अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी होंडा सेंटर। देखने और सुनने वाले तमाम व्यूज़ को खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने एक गाड़ी में स्कैनर लगाया हुआ है। गाड़ी है टोयोटा GLI 2012 मॉडल। तो आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बनाने चाह रहा हूँ कि गाड़ी फ्यूल क्यों खाती है, इंजेक्टर चेंज कर चुके हैं, प्लग्स चेंज हो चुके हैं, ट्यूनिंग हो चुकी है, सारा कुछ होने के बाद भी गाड़ी फ्यूल क्यों खाती है। उसकी एक मेन रीज़न होती है, आपको नज़र आ रहा है स्कैनर पे शॉर्ट फ्यूल ट्रिम जो लिखी हुई है, भाई ये -1 से -1 to 0 और 1 to, ये जो इसकी रेशो होती है इस पर फ्यूल इसका ठीक रहता है, ठीक है। उसके अलावा ये एक मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी इस पर, क्योंकि इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि आगे भी एक भाई ने कमेंट किया मुझे, अब मुझे उनका नाम नहीं याद के नेम क्या था उनका, वो कह रहे थे कि आप वीडियो बनाते हैं लेकिन सर आप तफसील में बताते नहीं हैं। तो भाई कौन सी ऐसी वीडियो है जिसमें मैं आपको फॉल्ट तफसील से नहीं बताता? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि मैंने ऐसी कोई वीडियो बनाई नहीं है कि जिसमें मैंने आपसे कोई फॉल्ट छुपाया हो। तो काइंडली मुझे ज़रा बता दीजिएगा, अगर किसी को मेरी वीडियो की समझ नहीं आती तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है वो, तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर इसलिए हुआ हूं कि ज़िंदगी मौत का इंसान का पता नहीं होता, ठीक है, कब मौत आ जाए। और ये जो इलम मैंने सीखा है ना, मैं ये नहीं चाहता कि मैं अकेला ही इसको ले कर अपनी कब्र में चला जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे इलम से 10 लोगों को फ़ायदा होता हो, कि मेरे जाने के बाद वो लोग मुझे कम अज़ कम अच्छे अल्फाज में याद कर सकें। मेरा सिर्फ ये मकसद है। इसमें मेरा और भी बेनिफिट है कि हाँ जी, मैं थोड़ा फेमस होना चाहता हूँ, ठीक है। आगे भी मेरे चैनल थे, अभी भी हैं, बोल्ड मोटर्स वगैरह जो है वो यूट्यूब पे मेरे चैनल्स हैं। लेकिन ये है कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको मैकेनिकल वीडियोस बताता हूँ, फ्यूल के रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वो शेयर करता हूँ। तो मेरी इस वीडियो में ना वो तकरार थोड़ी लंबी हो गई, तो मैं आपको पहले बता दूँ कि इस गाड़ी में फ्यूल का जो मसला था वो एयर फ्लो सेंसर की वजह से था। अब वीडियो को अगर पीछे करके देखें तो जो इसकी मैप सेंसर की रीडिंग थी वो 1 से नीचे थी। GLI कोई भी गाड़ी है उसके मैं आपको बता दूं कि 1.5 से ऊपर की रेशियो जो है वो 750-700 के RPM पे, इट्स मीन के सेंसर आपका परफेक्ट है। अगर इससे नीचे होगी तो आपका सेंसर ख़राब होगा। तो मैंने अभी सेंसर इसका पीछे आपने देखा होगा खोल के चेंज किया है। तो अभी मैं इसकी आपको डेटा स्ट्रीम में सिर्फ एयर फ्लो सेंसर की रेशो दिखाऊंगा कि एयर फ्लो सेंसर जो है वो मैप सेंसर वो क्या रेशो दे रहा है। उसी से रिलेटेड है फ्यूल का भी मसला, अगर आप इंजेक्टर प्लग और कोयल्स वगैरह और ट्यूनिंग वगैरह करवा चुके हैं तो ऑक्सीजन सेंसर और मैप सेंसर को मत भूला करें। ऑक्सीजन सेंसर की जो रेशो होती है शॉर्ट फ्यूल ट्रिम, वो मैं आपको बता दूं -1 to 0 या फिर 1 to के दरमियान जो है वो फ्यूल रेशो उसकी ठीक रहती है। इससे ज़्यादा अगर -3, -4, -5, -6 पर निकलेगी तो फिर भी फ्यूल रिच है। अगर 3, 4, 5, 6 से ऊपर निकलेगी फिर भी रिच है। तो आपको नज़र आ रहा है जो मैप सेंसर की रीडिंग है वो 1.56 है, और अभी थोड़ी सी ये ऑटोमेटिक उठाई गई है। तो ये अगर आपकी जो इसकी रीडिंग है ये ट्रिप कर रही है तो इट्स मीन कि आपकी गाड़ी बिल्कुल 100% ओके हो चुकी है। तो आई होप सो आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो में फ्यूल की समझ आ गई हो कि भाई फ्यूल कैसे खाती है। अभी आपको नज़र आ रहा है 0 से 1 to 1 to 3 0 ये रेशो है, तो इट्स मीन के इसका फ्यूल जो है वो 100% परफेक्ट हो चुका है। तो मेरी इस वीडियो में यही बातें मैंने आपसे करनी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।